जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी क्लास में। आज हम बात करेंगे आर्मी ऑर्डरेंस कॉर्प में द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। ठीक है, इसमें अभी आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपका जो ओल्ड नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन की आपको कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने मिलेगी और डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी क्लास से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन पे, यहाँ पे आपका जो जारी किया गया नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये नोटिफिकेशन है आपका सेंटर रिक्रूटमेंट सेल आर्मी कॉर्डरेंस कॉप। ठीक है, यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने में टेंटेटिव वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज, यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की यूआर कैटेगरी में 938 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे आप रिजल्ट फॉर आपका इकोनॉमिक सेक्टर ओबीसी एससी एसटी में वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2313 है। रिजल्ट फॉर आपका जो देखते हैं ईएसएम एमएसपी फिजिकल डिसेबल के लिए, यहाँ पे आप देखते हैं। और पे लेवल एक आपका 1856, फायरमैन की 236 यूआर कैटेगरी में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 656। ठीक है, पे लेवल आपका 2 19,000 से 63,000, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पे यूआर कैटेगरी 40 और टोटल नंबर ऑफ 99 है। और सैलरी लेवल 2 19,000 से 63,000, यहाँ पे आपको देख सकते हैं शॉर्ट टर्म यूज के उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं जो टेंटेटिव आपके लिस्ट एग्जाम सेंटर कंडक्ट सिविलियन रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आप देखते हैं आपका सेंटर और स्टेट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अपनी स्टेट के अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं गुजरात, दिल्ली, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप दे सकते हैं अपने सिटी के अनुसार और स्टेट के अनुसार। यहाँ पे आप चेक देखने को यहाँ पे दे रखिए। ट्रेड्समैन की यहाँ पे आपको हम जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी के अनुसार वो अलग रहेगी, भारतीय नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे आप दे सकते हैं, जनरल कैटेगरी 18 से 25 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे मेटेरियल असिस्टेंट की यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट 18 से 27 दे रखी है, जो कि आपके जे जे होगी। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो दे सकते हैं। डिपार्टमेंट कैंडिडेट बाकी आपकी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेटेरियल असिस्टेंट की, यहाँ पे ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा मेटेरियल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपके इंस्टीट्यूट से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आप देखते हैं फायरमैन के लिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा हाई स्कूल पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से, मस्ट बी फिजिकल फिट और कैपेबल परफॉर्मिंग स्टर्नस ड्यूटी एंड मस्ट बी पास टेस्ट स्पेसिफाइड जो नीचे दे रखे। हाइट आपकी 165 होनी चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट 81.5, चेस्ट आपके दे सकते हैं जो कि फुलाकर 85, वेट 50 किलोग्राम, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, कैरिंग ए मेन 63.5 किलोग्राम का और डिस्टेंस आपके होनी चाहिए 96 सेकंड में, क्लियरिंग 2.5 मीटर वाइड डिच, लैंडिंग बोथ फीट, क्लिमिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट को। यहाँ पे देखते हैं हाई स्कूल आपका जो है पास यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पोस्ट, एज, हेल्थ और अदर कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जो कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 25 और जनरल इंग्लिश और अवेयरनेस का 50 और स्पेशलाइज टॉपिक 50। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50, 50, 100 और 150 दो घंटे का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, आपका सिलेबस यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस का दे रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर विल बी कंसिस्टेंट टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे आपका इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। ठीक है, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपके जो सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेबस चैप्टर दे रखे हैं, जनरल अवेयरनेस, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट जो रहेगा आपका, देयर परफॉर्मेंस, फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट वो क्वालिफाई, रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट रिक्रूटिंग अथॉरिटी। ठीक है,
बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि ठीक है, इनके अनुसार यहाँ पे आपको दे रखी है, ट्रेड्समैन की, मेट की, फायरमैन की यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है, इस तरीके से रहेंगी। और आपको बाकी ये रेजोल्यूशन टाई के बारे में दे रखा है। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसी इसकी आपकी जो प्रमुख जानकारियां मुझे मिलेंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। और डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को